हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर एवर पे। आपको यहां पे इसी तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों कैस्टर ऑयल के बारे में या अरंडी के तेल के बारे में। हालांकि अरंडी के तेल को ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन इसके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं या जो औषधीय गुण हैं वो भी उतने ही लाभदायक होते हैं। इस वीडियो में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे कैस्टर ऑयल या अंडी के तेल के बारे में कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किन किन बीमारियों में अंडी के तेल से या कैस्टर ऑयल से फायदा होता है। एक्चुअल में जो कैस्टर ऑयल है वो एक प्लांट होता है जिसको रिसिनस क्यूमिनस के नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी में अरंडी के नाम से जानते हैं। इसके जो बीज होते हैं वो कत्थई भूरे काले रंग के बीज होते हैं, मोटे मोटे, और उससे इस तेल को निकाला जाता है। ये तेल कुछ पीले रंग का होता है, बट ये तेल देखिए अगर गलत मात्रा में इस्तेमाल कर लिया जाए या बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से जान लें कि इस तेल को आप कब और कहां और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। एक्चुअल में कैस्टर ऑयल के अंदर एक तो रिसिनोइक ऑयल पाया जाता है, फैटी एसिड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और ये एक बहुत ही अच्छा लेग्जेटिव भी होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करने में काम करता है। और इस लिहाज से ऐसी बहुत सारी दवाइयों में कैस्टर ऑयल डाला जाता है जहाँ पे लेग्जेटिव्स या जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको लेग्जेटिव्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। तो इसी लिहाज से हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप ये ऑयल लेते हैं, चाहे आप इसको दूध में लेते हैं या आप सीधे आप ही लेते हैं, तो जो आपकी आंतों की जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है, और अगर आंतों की मोटिलिटी बढ़ती है तो फिर आपको मोशन पास करने में आसानी हो जाती है। कई सारे दर्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे ऐसे दर्दों का जो आयुर्वेदिक या यूनानी पेन किलर्स होते हैं या जो पेन रिलीविंग ऑयल्स होते हैं उनके अंदर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये एक्जिमा और फोरेसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लगाने की विधि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो थोड़ा बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के लिए आपको देखिए इस ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लें और उसको जिस जगह पर आपको दर्द होता है वहाँ पर मालिश कर लें। आप इसका इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं कि गर्म रोटी ले लें, उसमें थोड़ा हल्दी लगा लें और इस तेल से उस रोटी को सेक लें और फिर इस रोटी को आप अपने जॉइंट पे या जोड़ वाली जगह पे या जहाँ पे चोट लगी हो वहाँ पे बांध दें। आप देखेंगे कि ये इतना बेहतरीन काम करेगा जैसे आपने कोई दर्द की दवाई खा ली है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फायदा देखा गया है वो एक्जिमेटस लीजन्स में भी देखा गया है। अगर किसी को एक्जिमा होता है तो आप हल्के से थोड़ा सा इसका ऑयल ले लें, एक पतली सी लेयर लगा कर वहाँ उस जगह को जहाँ पे एक्जिमा है मालिश कर सकते हैं। लगातार अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत आपको फायदे मिलने वाले हैं। साथ ही में आप अमरूद के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके रस को भी आप एक्जिमा के ऊपर लगा सकते हैं इस ऑयल के साथ साथ। ये दोनों मिलकर अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एक्जिमा जैसी बीमारी में। और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए इसके अंदर अगर आप टी ट्री ऑयल मिला लेते हैं या कैमोमाइल ऑयल मिला लेते हैं तो एक्जिमा के लिए और भी बेहतर इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल करें और लगातार आपको महीनों इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि एक्जिमा जो है वो जाता रहेगा। साथ ही साथ इसका रिंग वॉर्म जो बीमारी होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है। ये भी स्किन की बीमारी होती है, उसके बाद आप इसी तरीके से जैसे एक्जिमा में हम इस्तेमाल करते हैं इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि रिंग वॉर्म ठीक हो जाएगा। और उसके अंदर कुछ आप दूसरे लेवेंडर ऑयल या टी ट्री ऑयल भी मिला सकते हैं तो इसकी और ज़्यादा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी और ये जो रिंग वॉर्म है वो जाता रहेगा। एक्ने में भी इसके रिजल्ट देखे गए, लेकिन इसको आपको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए और थोड़ी सी हल्की सी पतली सी लेयर जो आप एक्ने पे लगा सकते हैं। इसके अंदर आप रोजमेरी ऑयल भी ले सकते हैं और टी ट्री ऑयल भी अगर आप मिला लेंगे तो ये आपके एक्ने को ठीक करने में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप देखें कि कैस्टर ऑयल के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि एक तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना दी जाए और जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है आप अपने आप से इसका इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की मर्जी से ही इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपने कैस्टर ऑयल ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया तो आपको नोज़िया आ सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, दस्त भी लग सकता है। तो ये दवाई है, इसको दवाई के तौर पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक चिकित्सक की या डॉक्टर की देखरेख में ही, अपने से खुद से इस्तेमाल ना करें, खासतौर से जब इसको ओरली इंजेस्ट कर रहा है। और जैसे मैंने बताया जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कैस्टर ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी को नुकसान करा सकता है। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपके दूध के साथ बच्चों को जा सकता है, उससे इसको नुकसान हो सकता है, बच्चों को दस्त भी लग सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर लें।
बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।